ये जो डेफिशिएंट डिमांड है बेटे टू द अमाउंट ऑफ एफजी व्हिच इज इक्वल टू डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड माइनस एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एफजी, दिस गैप इज आल्सो नोन एज डिफ्लेशनरी गैप व्हिच क्रिएट्स इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, व्हिच क्रिएट्स इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। हम डायग्राम से इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी दिखा सकते हैं, यहां पर हम इक्विलिब्रियम अटेन कर रहे हैं, यहां पर हम OM1 लोगों को इंप्लॉय करेंगे, लेकिन फुल इंप्लॉयमेंट लेवल ऑफ इंप्लॉयमेंट इतना है OM, सो हम इतनों को काम दे रहे हैं, इसका मतलब MM1 अमाउंट इज इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इतना सबको पता चल गया कि जिस इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड रहेगी उस इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन आएगी। सो नेक्स्ट लिखो डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? डिफ्लेशनरी गैप इज द अमाउंट बाय विच, बेटे जो डेफिशिएंट डिमांड है वही डिफ्लेशनरी गैप है। ठीक है, इट इज द अमाउंट बाय विच एडी फॉल्स शॉर्ट ऑफ एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो, डिफ्लेशनरी गैप इज द शॉर्ट अमाउंट बाय विच एडी falls short of AS at full employment. It is called deflationary. अब क्वेश्चन ये है, इसको deflationary क्यों कहते हैं? Deflationary word बेटे inflation का opposite है. Inflation वो situation है जहां पे general price level rise करता है, deflation वो situation है जहां पर general price level fall करता है. तो it is called deflationary because it sets in motion. It sets in motion forces, it sets in motion forces that cause deflation. It sets into motion forces which cause deflation, that is general fall in general price level, that is fall in general price level. ठीक है, नाउ डिफ्लेशनरी गैप इज प्रोपोर्शनेट टू डेफिशिएंट डिमांड। जो डिफ्लेशनरी गैप है इट इज प्रोपोर्शनेट टू डेफिशिएंट डिमांड, ग्रेटर द डेफिशिएंट डिमांड मोर इज द डिफ्लेशनरी गैप एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ग्रेटर द डेफिशिएंट डिमांड मोर इज द डिफ्लेशनरी गैप एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट लिखते हैं, अब बेटे डिफ्लेशनरी गैप का डायग्राम बिल्कुल सेम है, आप चाहे स्पेस छोड़ दीजिए और दोबारा से इसको बना लेंगे, अभी के लिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है, सो आफ्टरवर्ड्स यू कैन मेक द डायग्राम, अभी स्पेस छोड़ दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में व्हाट इज डिफ्लेशनरी गैप, तो इन दैट केस यू हैव टू मेक द सेम डायग्राम, सो इंस्टेड ऑफ डीडी यू राइट डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए मेजरमेंट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप। मेजरमेंट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप लिखो बेटे, डिफ्लेशनरी गैप इज मेजर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन डिजायर्ड एडी कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट एंड प्लैंड एडी कॉरेस्पॉन्डिंग टू अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो बेटे एक हमारी ऐसी एग्रीगेट डिमांड है जो हम डिजायर कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वाह हमारी इकोनॉमी के लोग अगर 100 करोड़ खर्चेंगे ना, 100 करोड़ प्लान करेंगे खर्चने का, तो हमारी इकोनॉमी फुली एम्प्लॉयड हो जाएगी। तो इसका मतलब वो हमारा क्या है, दैट इज अवर डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में 80 करोड़ वो खर्च रहे हैं, दैट इज दे आर प्लानिंग टू स्पेंड 80 करोड़, वो हमारा क्या है, प्लैंड एडी एट अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो जितना हम चाहते हैं वो खर्चा करें और जितना वो प्लान कर रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस दैट इज डिफ्लेशनरी गैप। वो गैप कितना, शॉर्टफॉल, गैप का मतलब शॉर्टफॉल, किससे किसका गैप है, हम इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं लेकिन हम फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन नहीं कर पा रहे, क्यों, क्योंकि 20 करोड़ की डिमांड का शॉर्टफॉल है, उसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड
or of deflationary gap. ठीक है, तो बेटे हमारे यहाँ एडी कम है. बेसिकली व्हाई इज डिफ्लेशनरी गैप अराइजिंग और व्हाई इज दिस द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी. क्या है डेफिशिएंट डिमांड? ये सिचुएशन है एडी लेस देन एएस कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट. अब एडी क्या होता है? एडी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. इट फॉल्स शॉर्ट ऑफ एएस कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, आपको स्कॉलरशिप चाहिए. आपको स्कॉलरशिप के लिए 90% मार्क्स चाहिए, लेकिन आपके मार्क्स आए हैं 87%. इसका मतलब आपके डिजायर्ड मार्क्स इतने थे, एक्चुअल मार्क्स 87% आए, मतलब आपका शॉर्टफॉल रह गया, स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती. क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि आपके मार्क्स कम आए. मार्क्स क्यों कम आए? हो सकता है इंग्लिश में कम आए, हो सकता है मैथ्स में कम आए, हो सकता है इकोनॉमिक्स में कम आए, हो सकता है अकाउंट्स में कम आए, हो सकता है बिजनेस स्टडीज में कम आए. क्यों? क्योंकि ये आपके मार्क्स के कंपोनेंट्स हैं. इसी तरह बेटे इसको रिलेट करो इसके साथ. आपकी एग्रीगेट डिमांड कम है एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट. एडी के कंपोनेंट्स ये हैं, तो ये क्यों कम है? देयर कुड बी रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो लिख लो फर्स्ट कॉज नंबर वन, रिडक्शन इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्यों कम हो सकता है? बिकॉज ऑफ फॉल इन एमपीसी. हो सकता है इस इकोनॉमी का मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो, जिस करके इसका प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम है. सेकेंड, रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. जब बिजनेस सेंटिमेंट्स लो होते हैं, जैसे कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, तो आपने देखा आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम हो गई, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने देखा कि गुड्स की डिमांड ही नहीं है, बिजनेस सेंटिमेंट्स लो है, प्रॉफिट बहुत कम है, तो उस केस में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो गया. थर्डली, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज इस तरह की रही होंगी कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर रही है. देन रिडक्शन इन एक्सपोर्ट्स. फॉरेन गुड्स में, फॉरेन कंट्रीज में हमारे गुड्स की डिमांड कम हो गई ड्यू टू एनी रीजन. हो सकता है हमारी उनकी कंट्री में प्राइसेस कम हो रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते, या उनके हमारे गुड्स उनको हाई स्टैंडर्ड के नहीं लगते ड्यू टू एनी रीजन, और ड्यू टू लॉकडाउन जैसे लगा था तब भी एक्सपोर्ट्स कम हो गए थे, बॉर्डर्स क्लोज हो गए थे. और इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स, क्योंकि ये माइनस है ना यहाँ पे बेटे, तो ये बढ़ेगा तो ये ओवरऑल इसकी वैल्यू कम रहेगी. तो इम्पोर्ट्स, जैसे आजकल क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सो ड्यू टू एनी ऑफ दीज रीजंस देयर मे अराइज दी सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप इन दी इकोनॉमी. ठीक है, नाउ अगर एक इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी? सो बेटे डेफिशिएंट डिमांड का मतलब हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है इट फेल्स टू कैच अप विद द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो प्रोड्यूसर्स दे बिल्ड अप इन्वेंट्री बियॉन्ड वॉट दे डिजायर. ठीक है, हमारा जो एडी है यानी हमारे लोग जितना खर्चने को तैयार हैं वो हमारे रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करने के लायक नहीं है. ठीक, तो इसका मतलब अगर प्रोड्यूसर्स फुल यूटिलाइजेशन के ऊपर फोकस करेंगे तो उनका इन्वेंट्री जो है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा बियॉन्ड वॉट दे डिजायर. लोग 80 करोड़ का लेने को तैयार है, आप 100 करोड़ का बनाई जा रहे हो, तो उससे क्या होगा? जो अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक है इट वुड फोर्स द प्रोड्यूसर्स टू प्लान लेसर प्रोडक्शन फॉर कॉन्सिक्वेंट ईयर्स. हमारे प्रोड्यूसर सोचेंगे हम 100 करोड़ का क्यों प्रोड्यूस करें, लोग तो 80 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं. सो दे विल प्लान टू प्रोड्यूस लेस.
तो उससे उनकी प्लैंड आउटपुट जो है वो कम हो जाएगी। जब प्लैंड आउटपुट यानी एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगी तो उससे जो है हमारा जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, लेवल ऑफ आउटपुट है, लेवल ऑफ इनकम है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट इन दी सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इकोनॉमी विल बी ड्रिवन टू लो लेवल इक्विलिब्रियम, लो लेवल इक्विलिब्रियम इनकम। हमारी जो इकोनॉमी है दैट विल बी ड्रिवन टू लो लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक ट्रैप में फंस जाएगी जहां पे हमारा जो लेवल ऑफ इनकम है वो भी लो रहेगा, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी लो रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। यानी अगर इस टाइम पे इंडिया डिफ्लेशनरी गैप या डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम से जूझ रही है, इसका मतलब इंडिया का जो लेवल ऑफ इनकम है और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ही लो रहेगा। दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। ऑल सेट, क्लियर? नेक्स्ट आते हैं प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। राइट डाउन प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड refers to the situation when aggregate demand is in excess of aggregate supply corresponding to full employment in the economy, corresponding to full employment in the economy, that is excess demand is equal to AD greater than AS corresponding to full employment। समझ लो इसको, हमारी इकोनॉमी के लोग कहते हैं कि इस साल तो हम 120 करोड़ रुपए खर्चेंगे, तो हमें 120 करोड़ के गुड्स बनाओ। प्रोड्यूसर्स यही सोचेंगे ना, जब आप प्लान कर रहे हो भाई हम तो 120 करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज इस बारी खरीदने को तैयार हैं, हमारा लेवल ऑफ इनकम बढ़ चुका है, वी वांट टू स्पेंड 120 करोड़ रुपीस, वी वांट टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ 120 करोड़ रुपीस। नाउ ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स वुड प्लान टू प्रोड्यूस व्हाट एवर दे आर विलिंग टू बाय, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने अपने रिसोर्सेज को सबको काम पे लगा दिया, फुली इंप्लॉय कर दिया, लैंड लेबर मशीनरी जितना कुछ था रिसोर्सेज सबको काम पे लगा दिया, बट दे आर एबल टू प्रोड्यूस गुड्स वर्थ 100 करोड़ रुपीस ओनली। इन दिस केस पीपल आर प्लानिंग टू बाय इन एक्सेस ऑफ व्हाट इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस एट फुल एम्प्लॉयमेंट। एक इकोनॉमी अपना फुल पोटेंशियल यूज करके 100 करोड़ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन लोग 120 करोड़ रुपए खर्चने को तैयार हैं, इसका मतलब इस इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम है, वो है एक्सेस डिमांड। ठीक है, नाउ वी विल बी शोइंग दिस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो अगेन ऑन एक्स एक्सिस वी विल बी टेकिंग लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, and on y axis we will be taking AD AS। ठीक है, सबसे पहले हम 45 degrees, चलो मैं दोबारा इधर बना देती हूँ for you people, you just see, मेरे साथ साथ बनाइए। सबसे पहले 45 degrees की लाइन जो कि aggregate supply या y line है, ठीक है, उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट एडी, हमारी जो आइडियल सिचुएशन जो हम अचीव करना चाहते हैं एडीएफ। अगर आपने पिछले डायग्राम में इसको डॉटेड बनाया था, इसको अभी भी डॉटेड बना लीजिए, नो इश्यूज। ठीक है, सो वी वांट, अगर ऐसी सिचुएशन है, ये आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, यहाँ पर हम इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम है यहाँ पर अटेन कर सकते हैं, और बाय एम्प्लॉइंग ऑल द रिसोर्सेज, हमारे पास ओएम रिसोर्सेज है, ओएम को काम मिल गया तो इतनी आउटपुट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि 45 डिग्रीज है, इतना और इतना ही लोग लेने को तैयार है, आइडियल सिचुएशन। बट एक्चुअली में क्या है, इस इकोनॉमी का एडी कर्व ये है, एडीई,
यानी ये इकोनॉमी यहां पर इसको एफ दे देती हूं मैं, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम है, ये इकोनॉमी यहां पर इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रही है, अटेन कर रही है। रिक्वायर्ड कहां पे है? यहां पे, क्योंकि यहां पर वो इतने सारे रिसोर्सेस को काम पे लगा के इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है, लोग भी इतना डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, ये आइडियल सिचुएशन है। लेकिन एक्चुअल में लोग कितना डिमांड कर रहे हैं, इसको ऊपर ले जाओ, फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर ले जाओ। आपने एक बस याद रखना है, फुल एम्प्लॉयमेंट से देखना है आपने। उस केस में फुल एम्प्लॉयमेंट नीचे आ रहा था तो फुल एम्प्लॉयमेंट वाला नीचे, अब इस केस में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं शो हो रहा तो आपने इसको ऊपर तक ले जाना है, ठीक है। ये आपका ट्राइंगल बन गया, इधर उधर भी ट्राइंगल बन रहा था, उधर ट्राइंगल लेफ्ट को बन रहा था, यहाँ पे ट्राइंगल राइट को बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज आइडियल सिचुएशन, ठीक है। इतना हमें एग्रीगेट डिमांड चाहिए, लेकिन एक्चुअल में लोग इतना खर्चने को तैयार है तो ये एक्सेस है, इतना वो एक्सेस खर्च रहे हैं। तो जितना वो एक्सेस खर्च रहे हैं वो उनकी क्या है? एक्सेस डिमांड, ठीक है, दैट इज देयर एक्सेस डिमांड। तो इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, ADF इंडिकेट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ AD, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ AD, ADE इंडिकेट्स, ADE indicates planned aggregate expenditure, planned aggregate expenditure, equilibrium is struck at point E. Here AD is equal to लिखो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक एट पॉइंट एफ। हियर एडी इज इक्वल टू एफ एम, एडी कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इज एफ एल, एंड प्लैंड एडी इज इक्वल टू जी एम। Planned AD is equal to GM. The difference between GM, GM क्या है? Planned AD and FM, that is desired AD, is GF, which is equal to excess demand. Which is equal to excess demand. ठीक है? Now the situation of excess demand gives rise to inflationary gap. जो excess demand की problem है, it gives rise to inflationary gap. Now what is inflationary gap? लिख लीजिए, inflationary gap is the extent to which AD becomes greater than AD required to maintain full employment, aggregate demand. ये deflationary gap वो situation है जहां पर aggregate demand greater हो जाती, greater है, ज्यादा है, किससे ज्यादा है? Then the AD required to maintain full employment. अगर हम इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं तो लोगों को इतना खरीदना चाहिए, लेकिन लोग इतना खरीद रहे हैं, है ना? तो क्या होगा जब हम मैक्सिमम, मेरे पास 40 बच्चे हैं, मैंने 40 के 40 को काम पे लगा दिया और तो भी मैं 100 करोड़ की आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती हूँ, लेकिन सबके बच्चे कहते हैं हमको तो 120 की आउटपुट चाहिए, तो क्या होगा? मैंने तो सबको काम पे लगा दिया, अब मैं आउटपुट और प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो क्योंकि अब मेरी डिमांड ज्यादा है। आप लोग 120 की आउटपुट खरीदना चाहते हो, 100 करोड़ की ही बन सकती है, तो इट विल सेट इन मोशन द फोर्सेस
विच वुड लीड टू राइज इन प्राइसेस. आपको पता है ना डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम, जब गुड्स की शॉर्टेज है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं लेकिन प्रोड्यूसर्स कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या होगा? इट विल सेट इन फोर्सेस, सेट इन फोर्स सच सिचुएशन विच वुड लीड टू राइज इन प्राइसेस. ठीक है, सो इन्फ्लेशनरी गैप इज द एक्सटेंट बाय विच एडी बिकम्स ग्रेटर देन एडी रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. डिफ्लेशनरी गैप measures the size of excess demand. ठीक है, ये inflationary gap क्या करता है? ये excess demand का size measure करता है. Greater the excess demand, more will be the inflationary gap and vice versa. ठीक है, अब inflationary gap का यही diagram आप दोबारा से बना लेंगे. आगे लिखिए measurement of inflationary gap. इन्फ्लेशनरी गैप को हम कैसे मेजर करते हैं? मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप लिखो. इन्फ्लेशनरी गैप इज मेजर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन एडी बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, एडी बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट एंड AD at full employment. देख लो, ये इन्फ्लेशनरी गैप है ना. कैसे मेजर किया? इट इज डिफरेंस बिटवीन AD बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट एंड AD at full employment. ठीक है, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन AD कॉरेस्पॉन्डिंग ADE कर दो माइनस ADF कर दो. ये क्या है? बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, ये है एट फुल एम्प्लॉयमेंट. इन दिस केस इन्फ्लेशनरी गैप इज इक्वल टू GM माइनस FM विच इज इक्वल टू GF. ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप. नाउ नेक्स्ट बेटे, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप? इन्फ्लेशनरी गैप के कॉजेस क्या रहेंगे? तो उसके लिए इन्फ्लेशनरी गैप आप समझो क्या होता है. मैं इधर वाला रब करी, उधर वाला ऑलरेडी ड्रॉन है. इन्फ्लेशनरी गैप के कॉजेस, इन्फ्लेशनरी गैप बेटे क्या होता है? इट इज एडी लेस देन एएस कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ये वो सिचुएशन है जहां पर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है. एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. मतलब इनमें से कोई भी कंपोनेंट ज्यादा हो सकता है जिस करके एडी ज्यादा हो सकता है. सो दीज आर दी कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप. ठीक है, नंबर वन इज इंक्रीज इन पर्सनल या प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. नंबर टू, increase in government expenditure. Number three, increase in investment expenditure. MPC economy की बढ़ गई, personal consumption expenditure बढ़ गया. Government की policies इस favor में आई कि हमें employment बढ़ानी है तो government ने खर्चा करना ज्यादा कर दिया. Business sentiments अच्छे हो रहे हैं तो इस करके investment expenditure बढ़ गया. एक्सपोर्ट्स, हमारी कंट्रीज के गुड्स की डिमांड बढ़ गई जिस करके एक्सपोर्ट्स बढ़ गया और इम्पोर्ट्स में कमी आ गई ड्यू टू एनी रीजन, एनी पॉलिसी और एनी अदर रीजन. सो ऑल दीज फैक्टर्स टुगेदर और सम ऑफ देम कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशनरी गैप. ठीक है, नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप? तो बेटे इन्फ्लेशनरी गैप जब आता है इकोनॉमी में तो इन्फ्लेशनरी गैप वो सिचुएशन है जब जितना हमें डिमांड करना चाहिए हम उससे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं. जितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपना पूरा पोटेंशियल हमने यूज कर लिया, इकोनॉमी के रिसोर्सेस को फुली इम्प्लॉय कर दिया, फिर भी उससे ज्यादा डिमांड है, हम उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं जितना हमारी लोगों को चाहिए है, तो क्या होगा? ये जो एक्सेस डिमांड है दिस विल एक्सर्ट प्रेशर
on the existing stock of goods and services. जब existing stock के ऊपर pressure पड़ेगा तो obviously it is going to the situation of rise in prices. ठीक है, prices बढ़ेंगे मतलब economy में inflation की situation आ जाएगी. ठीक है, तो पहला consequence, it will give rise to inflationary situation in the economy. Secondly बेटे, जब prices existing goods के prices बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएंगे तो producers they would get abnormal profit margin. इनका profit margin बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगा जिससे economy में wage price spiral आ जाएगा. Wage price spiral क्या होता है बेटे? ये वो सिचुएशन है जहां पर वेजेस प्राइसेस को और प्राइसेस वेजेस को चेज करती हैं. वो कैसे? प्राइसेस बढ़े, जब प्राइसेस बढ़ेंगे, जैसे सपोज करो मैं एक सैलरीड पर्सन हूं, गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए तो मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलूंगी कि पहले आप मेरे को जितनी सैलरी देते थे अब उसमें मेरा गुजारा हो जाता था, लेकिन अब प्राइसेस बढ़ गए हैं तो मैं उतने गुड्स एंड सर्विसेज अब नहीं खरीद सकती हूँ, खरीद पाती हूं, तो आई नीड राइज इन माई वेजेस. तो मेरी वेजेस बढ़ानी पड़ेंगी उनको. जब बेटे वेजेस बढ़ जाएंगी तो प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से देखो, वेजेस इज अ कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो उनको, उनके पास कोई चॉइसेस नहीं है, उनको प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे. प्राइसेस बढ़ा दिए तो फिर वर्कर यूनियन बोलेंगे भी हमारी वेजेस बढ़ाओ, वो वेजेस बढ़ा देंगे. जब वेजेस बढ़ जाएंगे फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगे और इकोनॉमी में ये वेज प्राइस स्पाइरल चलता रहेगा. ठीक है, सो इट लीड्स टू दी तीसरा कॉन्सिक्वेंस है इन्फ्लेशनरी गैप का, कि इससे इकोनॉमी में बूम प्रॉस्पेरिटी की सिचुएशन आती है. तीन मैंने कॉन्सिक्वेंसेस बताए, पहला इन्फ्लेशन आएगी, दूसरा वेज प्राइस स्पाइरल रहेगा, और तीसरा मैंने कहा बूम प्रॉस्पेरिटी की सिचुएशन रहेगी. बिजनेस साइकिल का ये वाला फेज, बूम प्रॉस्पेरिटी वाला फेज, एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप का फेज है. ठीक है, इज दैट राइट?